नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं प्रिया हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम सियासी दंगल लेकर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नाम बदलने की राजनीति खूब चल रही है। जगह जगह से प्रस्ताव आ रहे हैं कि फला जिले का नाम बदल दिया जाए। योगी सरकार भी इस मुद्दे पर खूब ध्यान दे रही है। कुछ समय पहले इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया था और फैजाबाद को अयोध्या। अब सुल्तानपुर, मैनपुरी और फिरोजाबाद जैसे कई जिलों के नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही कई जिलों को नए नाम मिल सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिलों का नाम बदलने से लोगों का कुछ फायदा होगा या फिर 2022 के लिए बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है, इसे जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अंदर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना और बाहर टोपी लगाकर नमाजियों के साथ बैठना इनका शगल हुआ करता था। ये नाम बदलने की प्रथा तब शुरू हुई जब इस देश में मुगलों का शासन। या इतिहास के सुनहरे पन्ने में आप कुछ दर्ज करा रहे हो या अपना पुराना इतिहास आप बदल सकते हैं, तो चलिए उसके लिए भी वेलकम हो जाता। इसके लोगों को आतंक हटाया है, जिन्होंने देश के लोगों को मारा है, उनके नाम पर ना तो कोई सड़क होनी चाहिए, ना कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, ना कोई शहर का नाम होना चाहिए। लेकिन इस पर टैक्सेशन का भारी खर्चा कर दिए, विकास की जगह विनाश करने का काम योगी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और मैनपुरी के साथ ही अब सुल्तानपुर का भी नाम बदलने की तैयारी है। अलीगढ़ और मैनपुरी जिला पंचायत की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो गया। सुल्तानपुर के डीएम और अयोध्या मंडल के कमिश्नर ने नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिस पर राजस्व विभाग में कागजी कार्रवाई हो रही है। बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सुल्तानपुर जिले का नाम भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के नाम पर कुश भवनपुर करने की तैयारी कर रही है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट करेगी। फिलहाल नाम बदलने को लेकर कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। राजस्व परिषद ने अपनी संस्तुति शासन को भेज दी है। अब इस अंतिम निर्णय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट करेगी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले एक बार फिर जिलों का नाम बदलकर सरकार के धार्मिक एजेंडे को धार देने की तैयारी है। प्रदेश सरकार सुल्तानपुर जिले का नाम भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के नाम पर कुश भवनपुर कर देगी। राजस्व परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिषद ने अपनी संस्तुति शासन को भेज दी है। अब इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट करेगी। नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और ये पहली बार नहीं है कि नाम बदलने की राजनीति प्रदेश में हो रही है। इससे पहले भी सपा और बसपा सरकार में नाम बदलने की राजनीति हो चुकी है। इस पर राजनीतिक विश्लेषक का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये नाम बदलने की प्रथा तब शुरू हुई जब इस देश में मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ। अंग्रेजों ने शायद कहीं नाम नहीं बदला, या बदला तो उन्होंने स्टेट्स में डिवाइड किया, लेकिन जब मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों ने जानबूझकर जो भारतीय सभ्यता थी उसको खत्म करने की कोशिश करी, उसको बदलने की कोशिश करी, और बहुत सारे ऐसे नाम जो प्रचलित नाम थे उनको बदल करके उसको मुगलों के नाम पर या इस्लाम के नाम पर रखने की कोशिश करी गई। ये प्रथा तब से गलत तरीके से चली आ रही, लेकिन आजादी के बाद से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये जो नाम बदलने की प्रथा चली है, ये काम
लगभग लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने किया है, किसी ने किसी उद्देश्य से किया है, किसी ने किसी उद्देश्य से किया है। लेकिन नाम बदल देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो आज ना तो हम पौराणिक युग में जी रहे हैं, ना हम उस ऋषि युग में जी रहे हैं, आज हम एक साइंटिफिक युग में जी रहे हैं। और आज हर चीज का आधार डेवलपमेंट है। मुगलों ने नाम बदला था, उस नाम को वापस रख देने में कोई बुराई नहीं, रख देना चाहिए। जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारत की आज़ादी को लेकर के जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, उनके नाम पर शहरों के नाम रख दीजिए, सड़कों के नाम रख दीजिए, वो अच्छा है। लेकिन जिन लोगों ने इस देश के ऊपर राज किया है, इस देश के लोगों के ऊपर आतंक ढाया है, जिन्होंने इस देश के लोगों को मारा है, उनके नाम पर ना तो कोई सड़क होनी चाहिए, ना कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, ना किसी शहर का नाम होना चाहिए। और इन सारी चीजों के परे जो नाम बदलने की प्रथा है, प्रक्रिया है, वो किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं होनी चाहिए। बता दें, सुल्तानपुर के लोग लंबे समय से जिले का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की मांग करते रहे हैं। लंबुआ सुल्तानपुर के भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। इस बीच सुल्तानपुर के डीएम के साथ अयोध्या के मंडलायुक्त ने गजेटियर में सुल्तानपुर के प्राचीन इतिहास का हवाला देते हुए जिले का नाम कुश भवनपुर करने की सिफारिश शासन व राजस्व परिषद को भेजी थी। सुल्तानपुर जिले का नाम बदलने के प्रस्ताव में कहा गया है कि त्रेता युग में भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी कुश भवनपुर हुआ करती थी। महाराज कुश के आगे की पीढ़ियों ने द्वापर तक यहां राज किया और कौरव सेना की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद से कुश भवनपुर को सुल्तानपुर कहा जाने लगा। जिलों का नाम बदलने को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करने से चूक नहीं रही है। मंदिर बनाने के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को, तब जाकर वो सपना साकार हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आती, माननीय न्यायालय का फैसला उसमें ना आता, तो ये लोग मंदिर बनने नहीं देते। सारे विरोधी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल किया कि मंदिर ना बने। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने अपने परंपरा के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया और हम लड़ते रहे। उसी तरीके से फिरोजाबाद का हम नाम बदलेंगे, अलीगढ़ का नाम बदल रहे हैं, क्योंकि इतिहास में दर्ज है ये नाम, हमारे पुराणों में दर्ज है। जो चाहे हरि नगर हो, हरिपुर हो, या कुश भवनपुर हो, या चंद्रपुर हो, हम इसको सही करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती, हम सिर्फ अपने परंपरा को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, जिसको हम अपने मूल्यों के साथ जीवित हैं। और सबके आशीर्वाद से आज हम उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में कई चुनावों से टिके हुए और बेहतर प्रदर्शन करते जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए कोई काम ही नहीं किया, और यही कारण है कि उनको नाम बदलने के अलावा दूसरा काम आता नहीं। और जो इन्होंने संकल्प पत्र में वादे किए 1 से लेकर के 212 नंबर तक, एक भी वादे इनके पूरे नहीं। ऐसी स्थिति में अब चुनाव आने वाला है, 3 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो किस तरीके से ये जनता से वोट पाएंगे? तो उसके लिए इन्होंने कुछ अपनी नीतियां तय कर ली। एक ये कि हम माँ भारती के आंचल में जाके छुपेंगे और छद्म राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ेंगे। भारत में तो सभी राष्ट्रवादी, कोई ऐसा बता दीजिए जो ना। दूसरी चीज़ ये करना चाहते हैं कि भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल राजनीति में करना चाहते हैं। मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये अपना जताना और बताना चाहते हैं। विघटनकारी कार्य भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और दूसरा ये कि अब कुछ ना हो सके तो चलो उर्दू
उच्चारण से जो संदर्भित या मुस्लिम नेम्स हैं हमारे जिलों के या स्टेशनों के, तो उनको बदल दिया जाए। तो उनको अगर बदलने से विकास हो रहा होता या इतिहास के सुनहरे पन्ने में आप कुछ दर्ज करा रहे होते या अपना पुराना इतिहास आप बदल सकते तो चलिए उसके लिए भी वेलकम हो जाता। लेकिन इस पर टैक्सेशन का भारी खर्चा करके विकास की जगह विनाश करने का काम योगी सरकार कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रदेश में अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, बस्ती व मिर्जापुर का नाम भी बदलने की मांग की जा रही है। इसमें से फिरोजाबाद जिला पंचायत जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर करने, अलीगढ़ जिला पंचायत अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ और मैनपुरी जिला पंचायत जिले का नाम बदलकर मयन नगरी करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले भी योगी सरकार में जिलों के नाम बदले जा चुके हैं। प्रयागराज, फैजाबाद जैसे जिलों के नाम पहले ही बदले जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी से जिलों का नाम बदलकर बड़ी तैयारी की जा रही है। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम जिलों के नाम ही बदले जा रहे हैं और इस नाम बदल राजनीति में बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा ये तो चुनावी नतीजों में पता चलेगा। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। अंदर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना और बाहर टोपी लगाकर नमाजियों के साथ बैठना इनका शगल हुआ करता था। ये नाम बदलने की प्रथा तब शुरू हुई जब इस देश में मुगलों का शासन हुआ। इतिहास के सुनहरे पन्ने में आप कुछ दर्ज करा रहे हो या अपना पुराना इतिहास आप बदल सकते तो चलिए उसके लिए भी वेलकम हो जाता। लोगों को आतंक हटाया है, लोगों को मारा है, उनके नाम पर ना तो कोई सड़क होनी चाहिए, ना कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, ना कोई शहर का नाम होना चाहिए। लेकिन इस पर टैक्सेशन का भारी खर्चा कर दिए विकास की जगह विनाश करने का काम।